वेलकम बाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज MBA 4 SAM HR स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट सेकंड से, और उसका टाइटल क्या है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की हम बात करें तो 1936 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, और जब ये एक्ट आया था तो जब हम इसके एप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो जो सेक्शन इस एक्ट की है 2, वो बताती है कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होता है जहाँ पे वर्कर एम्प्लॉयड हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो अदर एस्टेब्लिशमेंट हो। इसके साथ साथ जब ये एक्ट आया था 1936 में, तो उस समय वेजेस की लिमिट रखी गई थी। जैसे हम वेजेस की बात करें तो वो एम्प्लॉय जिनकी वेजेस 1600 से ज़्यादा है उनको इस एक्ट के अंदर रखा गया था। तो यहाँ पे हम वेजेस की भी बात करेंगे कि जो वर्कर हैं उनको वेजेस कितनी कितनी कैटेगरी है, कितनी क्लास ऑफ जो वेजेस है उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होगा। फिर हम बात करते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर स्टेट की हम बात करें, जैसे हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपको जो मिनिमम वेजेस है वो हायर मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ अलाउंस अलग से मिलते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वेजेस आपको हाई मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में वेजेस थोड़ी कम मिलती है। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि ये जो एक्ट है इसके आने के बाद लेबर को वेजेस जो है एक टाइमली मिली है, वेजेस में अनऑथराइज रिडक्शन है वो भी कम हुई हैं, उनको हम इस एक्ट के फीचर्स के अंदर यहाँ पे समझेंगे। जैसा कि हम देखें तो साइलेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट के अंदर हम आएँ तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो एक्ट है ये टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस की तो बात करता ही है वर्कर को, इसके साथ साथ ये भी बताता है कि वर्कर की जो सैलरी है, वेजेस है, उसका पेमेंट विदाउट डिडक्शन होना चाहिए, मतलब विदाउट अनऑथोराइज डिडक्शन होना चाहिए। अनऑथोराइज डिडक्शन मतलब ये हुआ कि वो डिडक्शन जो परमिजेबल नहीं है, जो परमिजेबल नहीं है, जिनकी परमिशन नहीं है, ऐसे डिडक्शन नहीं होनी चाहिए। फिर हम बात करें, जब हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या है, टाइम वेजेस के पेमेंट का टाइम है क्या। सपोज मान लीजिए हम फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत की बात करते हैं, मंथ ऑफ अप्रैल की हम बात करते हैं, किसी ने मंथ ऑफ अप्रैल में वर्क किया तो वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1000 से कम वर्क करें तो नेक्स्ट मंथ जो मई रहेगा 7th मई, उससे पहले उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। तो वर्कर्स की जब हम बात करते हैं तो 1000 की लिमिट है, 1000 से कम वर्कर हैं तो वहाँ पे आपको नेक्स्ट मंथ की 7th से पहले पहले जो है एवरी मंथ वेजेस मिल जानी चाहिए। फिर हम देखें कि यदि नंबर ऑफ वर्कर 1000 से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे वेजेस जो है नेक्स्ट मंथ की 10th को मिल जानी चाहिए, हर महीने की हम देखें 10th या उससे बिफोर वेजेस मिल जानी चाहिए। अनऑथोराइज डिडक्शन की यदि हम बात करें तो कोई भी नोट परमिजेबल डिडक्शन नहीं की जानी चाहिए, यदि इस तरीके की डिडक्शन होती है तो उस पर पेनल्टी भी होती है। तो हमने इस एक्ट के अंदर इन चीज़ों को वन बाय वन डिटेल में समझना है। बात को आगे बढ़ाते हैं, एप्लीकेशन की यदि हम बात करें कि ये एक्ट अप्लाई कहाँ होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी पर्सन जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ कोई आपका रेलवे या सब कॉन्ट्रैक्टर रेलवे के अंदर कोई वर्क कर रहा है, कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट चाहे वहाँ नोटिफिकेशन एक्सटेंड करके वहाँ पे इस एक्ट को क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यदि मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर कहीं पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है तो गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन देके वहाँ पे अप्लाई कर सकती है। यदि हम एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी का मतलब आप समझ गए होंगे कि वर्कर्स वो जो इस एक्ट के अंदर कवर होंगे, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो वर्कर जिनकी जब ये एक्ट आया था उस समय जिनकी जो वेजेस थी वो पर मंथ 1600 और अबो थी, वो इसके अंदर कवर होते हैं, ठीक है ना। बेनिफिट क्या मिलता है, हमने टाइमली पेमेंट की बात की, रेगुलर पेमेंट की बात की कि नेक्स्ट मंथ में 7th उससे बिफोर और नेक्स्ट मंथ में 10th या उससे बिफोर। 7th जो है वो 1000 से कम वर्कर के लिए है, और जब 1000 से ज़्यादा वर्कर होते हैं तो वहाँ 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, और वहाँ नेक्स्ट मंथ की 10th को जो है वेजेस मिल जानी चाहिए। इसके अलावा हमने देखा कि कोई भी अनऑथोराइज डिडक्शन जो है वो वेजेस में से नहीं होनी चाहिए, और यदि इस तरीके के अनऑथोराइज डिडक्शन हुई है तो उस पर प्रॉपर फाइन भी होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे फ़ाइन क्या होता है, पेनल्टी क्या होती है। जैसे हम देखें तो पेनल्टी जो है 2000 से 1000 तक हो सकती है, और यदि आप रिपीट कर रहे हो उस चीज़ को तो वहाँ पे 1 to 6 month आपका इम्प्रिजमेंट भी है, और ये जो फाइन है इसको बढ़ा के पेनल्टी का 500 से 3000 भी किया जा सकता है। और यदि आप वेजेस का पेमेंट का डिले करते हैं, जो आपको 7th और 10th ऑफ मंथ नेक्स्ट मंथ बता रखा है,
उसके बाद भी आप वेजेस को डिले करते हो तो आपको 1000 पर डे के हिसाब से डिले जो है पेमेंट का करना होगा। तो हम इस एक्ट के बारे में हमें ये बेसिक पता लगा कि ये एक्ट है, इसके अंदर जो वर्कर को ये बेनिफिट मिलता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉई वहाँ पे इतने होने चाहिए, वहाँ पे पेनल्टी का प्रोविज़न भी होना चाहिए यदि टाइमली पेमेंट नहीं होता है। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अब माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या सर इस एक्ट के हम पेमेंट और वेजेस एक्ट की हम बात करें, क्या इस एक्ट से पहले वेजेस का टाइमली पेमेंट नहीं होता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो हम प्रीरियड टू 1936 की हम बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसा कोई लॉ नहीं था पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर के बारे में। और ये जो आपका एक्ट बेस्ड है वो किस पर बेस्ड है, 1925 में एक प्राइवेट बिल जो था जिसको हम वीकली पेमेंट बिल कहते हैं, वहाँ पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था लेजिस्लेटिव असेंबली में, और वहाँ पे ये बताया गया था कि जो वेजेस का पेमेंट होगा वो उस बिल के हिसाब से होगा, वीकली पेमेंट बिल बनेगा और उसके बाद वेजेस का पेमेंट होगा। तो वहाँ पे टाइम की बात थोड़ी आई कि हाँ भाई वेजेस का एक एक पर्टिकुलर टाइम है, वहाँ पे वेजेस का डिटर्मिनेशन होगा और उसका पेमेंट किया जाएगा। इसके अलावा हम देखें कि ये जो टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस है इससे हेल्प क्या हुई कि जो डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस था वो कम हुआ, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस था वो भी ठीक हुआ, डिडक्शन जो वेजेस में से था अनऑथोराइज था, फाइन वगैरह जो एम्प्लॉयर लगाता था वो सब चीज़ें अनऑथोराइज चीज़ें क्या हो गई, बंद हो गई। कहने का मतलब है कि अब वेजेस के एक्ट 1936 के आने के बाद जो है वेजेस में से ऑथोराइज परमिजेबल जो है डिडक्शन वही हो सकती हैं, नॉट परमिजेबल डिडक्शन नहीं होंगी वेजेस के अंदर। फिर हम बात करते हैं रॉयल कमीशन की। जो रॉयल कमीशन था उन्होंने रिकमेंड क्या किया था, उन्होंने रिकमेंड किया था कि जब आप वर्कर को वेजेस पे करते हो, आपने जब टाइप ऑफ वर्कर देखे थे तो वहाँ पे यंग वर्कर आता था जिसको हम एडोसेंस बोलते थे, वहाँ पे जो जिनको हम क्या बोलते थे जिनकी एज 15 साल या उससे ज़्यादा है लेकिन 18 साल से कम है। तो रॉयल कमीशन ने बोला था कि ऐसे वर्कर की वेजेस पर कोई भी फाइन किसी भी तरीके का फाइन जो है नहीं लगाना चाहिए। तो ये उनकी रिकमेंडेशंस थी किसकी, रॉयल कमीशन की। इसके अलावा वेजेस का जो डिडक्शन का अमाउंट है वो एक जो आपका मिनिमम अमाउंट है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे मिनिमम अमाउंट के बारे में भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो वहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट और डिडक्शन की बात की, उससे ज़्यादा डिडक्शन भी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले पेज के अंदर कि जैसे कोई वर्कर है, सपोज़ मान लीजिए उसने कोई गुड्स का कोई डैमेज हुआ या कोई लॉस हुआ, तो एम्प्लॉयर क्या करता था, गुड्स की जो कॉस्ट थी, गुड्स का जो होलसेल प्राइस था उस प्राइस से ज़्यादा डिडक्शन कर देता था, मान लीजिए उसकी डबल कर देता था, तो उससे क्या होता था वर्कर को वेजेस कम मिलती थी। तो यहाँ पे ये रखा गया कि जो डैमेज गुड है उसका जो होल सेल प्राइस है उससे ज़्यादा आप डिडक्शन नहीं कर सकते। तो इससे ये हुआ कि जो डिडक्शन थी वो डैमेज गुड के होलसेल प्राइस तक ही हो सकती है। इसके अलावा हम देखें कि जो वर्कर्स थे, वर्कर जो हैं उनको जो टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस था यदि वो नहीं किया जाता है तो उसके लिए फाइन भी होगा। ए नोटी नोटिस स्पेसिफाइंग दैट एक्ट ओमिशन इन रेस्पेक्ट टू विच फाइन मे बी इम्पोज, कि फाइन भी उस पर होगा। इसके अलावा यदि वर्कर को फैसिलिटी दी गई है हाउसिंग अकोमोडेशंस की, टूल्स की, रॉ मटेरियल की, तो उसके लिए वो डिडक्शन परमिजेबल है, ठीक है ना। और इसके अलावा यदि कोई वर्कर को टाइमली पेमेंट नहीं करता तो उस समय इम्पोजिशन ऑफ द फाइन जो होगा वो जो डिसाइडेड है वो फाइन उनको पे करने होंगे। इसके अलावा हम देखें कि लो जो है, जो आपकी रॉयल कमीशन की यदि हम बात करें वहाँ पे हम कुछ चीज़ों को और एड ऑन कर देते हैं कि जो रिकमेंडेशंस बेस्ड थी रॉयल कमीशन की जो लेबर के अंदर, जिसमें पेमेंट ऑफ बिल ऑफ वेजेस की हमने बात की थी जो लेजिस्लेटिव असेंबली में 1933 में इंट्रोड्यूस किया था, इसके बाद ही जो आपका एक्ट आया था 1936 में, लेकिन ये एक्ट जो है 22 मार्च 1936 से क्या हुआ था, अप्लाई हुआ था। और इसके बाद भी यदि हम देखें 1936 के बाद भी जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसमें टाइम टू टाइम क्या हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं। जैसे 1937 में आफ्टर 1 ईयर हुआ, 1957 में अमेंडमेंट हुआ, 1964 में, 1976 में। तो वहाँ पे आप ये देखें कि टाइम के साथ साथ जो हमें लगा वो अमेंडमेंट हमने इसके अंदर किया। तो ये जो आपके अमेंडमेंट हैं ये तो अपने कोर्स में नहीं है, हमें तो खाली पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को समझना है। तो इसी एक्ट के अंदर हम आगे और बढ़ते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स को रेगुलेट करना पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए, सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉय के लिए, वहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट को फिक्स करना, अनऑथोराइज डिडक्शन को रोकना, खाली जो आपकी परमिजिबल डिडक्शन है, ऑथोराइज डिडक्शन है उन्हीं उन्हीं को ही अलाउ करना। इसके साथ साथ कुछ डेफिनेशन भी इसके अंदर दी गई थी, जैसे जो एस्टेब्लिशमेंट है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट क्या होगा, जैसे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ट्रामवे है, मोटर
सर्विस है, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, डॉक वाफ जेटी इनलैंड, ये सब सर्विसेज इनको इंक्लूड किया गया, माइन वगैरह है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर किस टाइप के जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट थे उनको इंक्लूड किया गया। इसके अलावा जब हम वेजेस की बात करें तो हमने ओल्ड रेमोनेशन के अंदर सैलरी को, अलाउंस को, जो भी मॉनेटरी बेनिफिट एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर दे रहा है, एक्सप्रेस इम्प्लाइड दे रहा है, उन सबको हमने इसके अंदर इंक्लूड किया। तो ये आपके वेजेस की डेफिनेशन हुई। वेजेस के अंदर हम रेमोनेशन के साथ साथ जो अदर जो भी हॉलीडे वेजेस है, आपका एनुअल लीव विद वेजेस है, जो भी सेटलमेंट हुआ है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो एडिशनल रेमुनेशन मिला है, तो उन सब चीज़ों को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे वेजेस के साथ साथ कि वेजेस के अंदर हम बोनस वगैरह जो चीज़ें हैं, हाउसिंग अकोमोडेशन की कोई फैसिलिटी है, एम्प्लॉयर ने कोई पेंशन में या प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा लगाया है, उस पर कोई इंटरेस्ट हुआ है, कोई ट्रेवलिंग अलाउंस दिया है और या फिर कोई स्पेशल अलाउंस दिया है, तो उन सबको वेजेस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो इस एक्ट ने आपको डेफिनेशंस दी, वेजेस की डेफिनेशन क्या है, वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशंस क्या है, वेजेस के अंदर किन किन चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे, उनको हमने वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस किया। तो पेपर में आपसे हो सकता है कि शॉर्ट नोट में कोई चीज़ पूछ सकता है कि वेजेस की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट। इसके अलावा हमने सेक्शन 3 के अंदर ये भी पढ़ा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस क्या रहेगा। सेक्शन 3 के अंदर ये बताया कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका जो एम्प्लॉयर है, जो मैनेजर है, वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा एस्टेब्लिशमेंट को। वो किस लिए कंट्रोल करेगा कि जो वेजेस जो है, वेजेस के जो लॉ हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस के अकॉर्डिंग टाइमली पेमेंट हो, अनऑथोराइज डिडक्शन नहीं हो, ये सभी पर अप्लाई होगा। ऐसे एम्प्लॉयर जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर की फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं, फैक्ट्रीज हैं, रेलवे हैं, उन सब पर अप्लाई होगा। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ चीज़ें हमने यहाँ पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर हमने सारी चीज़ें देखी हैं। पेपर में आपसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के मोस्टली वो आपसे क्या पूछता है कि इम्पोर्टेंट प्रोविजन्स क्या हैं, तो उसके अंदर आप उसके जो ऑब्जेक्ट हैं, आपका जो टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस है, जो अनऑथोराइज डिडक्शन नहीं होनी चाहिए, उसके जो प्रोविजन्स हैं, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन वगैरह हैं, आप उन चीज़ों को पेपर में बता के आ सकते हो। तो माई साइड लेक्चर इज़ ओवर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ हम किसी ने जो अपना नया टॉपिक होगा उसको हम पढ़ेंगे। थैंक्स।